हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योमेट्री का, या फिर आप बोल सकते हैं मैथ्स 2 का मार्च 2019 का क्वेश्चन पेपर फॉर 10th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड। फ्रेंड्स, यहां पे देखिए, फर्स्ट पेज पे आपको कुछ नोट दिया है जिन्हें आपको फॉलो करना है वाइल सॉल्विंग द पेपर। तो फर्स्ट है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यूज़ ऑफ कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड। द सेकेंड नोट, मतलब कैलकुलेटर आपको यूज़ नहीं करना है। देन फिगर्स टू द राइट ऑफ क्वेश्चन इंडिकेट फुल मार्क्स। तो फ्रेंड देखिए, यह है कुछ क्वेश्चन और यहाँ पे जो फिगर है, मतलब बात कर रहा है नंबर की, तो जो नंबर्स है वो इस क्वेश्चन के फुल मार्क्स को इंडिकेट कर रहा है। देन ड्रॉ प्रॉपर फिगर्स फॉर आंसर्स वेर एवर नेसेसरी। तो जहाँ पे ज़रूरत है आपको फिगर भी ड्रॉ करना है। उसके बाद द मार्क्स ऑफ कंस्ट्रक्शन शुड बी क्लियर एंड डिस्टिंक्ट, डू नॉट इरेज देम। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जो भी आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, जैसे आपका चैप्टर है कंस्ट्रक्शन चैप्टर, तो वहाँ पे आप जितने भी टाइप के डायग्राम्स यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, वहाँ पे जो मार्क्स हैं कंस्ट्रक्शन के, वो क्या रहने चाहिए, क्लियर और डिस्टिंक्ट रहने चाहिए। और आपको वहाँ पे ज़्यादा इरेज नहीं करना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इरेज करेंगे वहाँ पे, उतने मार्क्स वहाँ पे आपके कम होंगे। एंड फाइनली, वाइल राइटिंग एनी प्रूफ ड्राइंग रिलेवेंट फिगर इज नेसेसरी। तो आप कोई भी प्रूफ अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ पे फिगर कंपलसरी है। ऑल्सो द प्रूफ शुड बी कंसिस्टेंट विद द फिगर, ठीक है। तो जो भी आप प्रूफ कर रहे हैं उसके साथ जो फिगर है वो बिल्कुल क्या रहनी चाहिए, कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। मतलब जिस टाइप से आप प्रूफ कर रहे हैं उसी टाइप से आपकी फिगर भी वहाँ पे ड्रॉ होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखिए, यह है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1A। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी फोर, और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स कैरी करेगा, 4 मार्क्स। तो आपको किसी भी 4 क्वेश्चंस को यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। और फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है, देखिए मार्च 2019 में बोर्ड का एक नया रूल था जिसके अकॉर्डिंग आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1A, ये आपको पूछा गया था फ्रॉम 9th क्लास। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये आपको 9th क्लास से पूछा गया था, बट अभी जैसे आपको पता है मार्च 20 से ये रूल यहाँ पे चेंज हो गया है, तो अब आपको क्लास 9 से किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो ये पुराने पैटर्न से है जहाँ पे आपको पूछा गया था फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 9th क्लास, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1B, और डेफिनेटली वो पूछा गया था आपको क्लास 10th से। तो देखेंगे कहाँ पे है ये। तो देखिए यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन नंबर बी और वो है 1 का। तो यहाँ पे देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 2, आपको कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसके ऊपर आपको मिलेंगे 4 मार्क्स, मतलब हर क्वेश्चन के ऊपर 2 मार्क्स। तो यहाँ पे है, ड्रॉ सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 5.7 सेंटीमीटर, एंड आपको क्या करना है, उसका बाइसेक्ट करना है उसे, मतलब आपको ड्रॉ करना है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसके बाद इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल पी इज 60, एंगल आर इज 30, एंड पी आर इज 12, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी क्यू एंड क्यू आर। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे 30, 60, 90 प्रॉपर्टी यूज करके इसे फाइंड करना है। देन इन अ राइट सर्कुलर कोन, इफ परपेंडिकुलर हाइट इज 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स लैंड हाइट। तो फ्रेंड यहाँ पे राइट सर्कुलर कोन के लिए आपको यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला, और आप फिर फाइंड कर सकते हैं स्लैंड हाइट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2A, यहाँ पे चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, मतलब यहाँ पे MCQ क्वेश्चंस है और ये आए थे आपके 4 मार्क्स के लिए, और यहाँ पे आपके पास टोटल 4 MCQs है जो आपको अटेम्प्ट करना है। और फ्रेंड्स, जब भी आप MCQ सॉल्व करेंगे, याद रखना है आपको सब क्वेश्चंस लिखेंगे प्रॉपर, और उसका जो ऑप्शन है वो लिखेंगे आप, और सामने उसका आंसर भी लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे फर्स्ट है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 2, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू 1:2 एंड AB इज इक्वल टू 4, देन वॉट इज द लेंथ ऑफ DE। फ्रेंड यहाँ पे आपको यूज करना है थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, बट सबसे पहले उसे आप इन दोनों ट्राइंगल को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन सा है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन ट्रिपलेट, द स्क्वायर ऑफ बिगर नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स, तो इसे आपको यूज करना है। देन थर्ड है, ACB, एंगल ACB इज इंस्क्राइब इन आर्क ACB ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, इफ एंगल ACB इज 65 डिग्री, फाइंड मेजर ऑफ आर्क ACB। तो यह आया था आपको सर्कल चैप्टर से। देन फोर्थ है, 1 + tan² θ इज इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पे 1 + tan² θ एक आइडेंटिटी है जो कितना होता है, 1 + tan² θ इज इक्वल टू sec² θ, मतलब ऑप्शन बी इसका रहेगा आंसर। उसके बाद आपको अगेन क्वेश्चन 2 में बी भी पूछा है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और यहाँ पे देखिए आपको किसी भी 2 को सॉल्व करना है, और मार्क्स है यहाँ पे टोटल 4 मार्क्स, मतलब हर क्वेश्चन पे आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। और यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट है, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर A एंड रेडियस 3.4 सेंटीमीटर
एट एनी पॉइंट पी ऑन इट, तो ये आपको पूछा गया था फ्रॉम चैप्टर कंस्ट्रक्शन। सेकेंड है फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए 3-1 एंड बी 5-3। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, स्लोप पूछा है किसका, एक लाइन का जो कहाँ से पास हो रही है, फ्रॉम दिस टू पॉइंट्स ए एंड बी, जिसके आपको कोऑर्डिनेट्स दिए है, ठीक है। तो उस लाइन का आपको स्लोप फाइंड करना है जो इन दो पॉइंट से पास हो रही है। तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे स्लोप पॉइंट फार्मूला, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आप यूज़ करेंगे स्लोप का फार्मूला फॉर टू पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया है थर्ड वाला, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है सरफेस एरिया किसका, स्पीयर का जिसकी रेडियस आपको दी है 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद फ्रेंड देखिए यह है क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए, और यहाँ पे आपको दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज एनी टू। तो आपको यहाँ पे एक्टिविटीज़ कंप्लीट करना है और वो भी दो, और टोटल मार्क्स है 4, मतलब हर एक्टिविटी पर रहेंगे आपके 2 मार्क्स। तो यह है फर्स्ट जहाँ पे आपको फिगर दिया है, और ये देखिए यह है इसकी एक्टिविटी, इन ट्राइंगल ए बी सी रे बी डी बाइसेक्स एंगल ए बी सी, इफ डी इज़ इन बिटवीन ए एंड सी, इज इन बिटवीन ए एंड बी एंड सेगमेंट ई डी इज पैरेलल टू साइड बी सी, देन प्रूव दैट ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू ए ई बाय ए बी, ठीक है। तो फ्रेंड ये है आपकी फर्स्ट एक्टिविटी, चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे देखिए यह है फिगर, और देखिए यह है एक्टिविटी, आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट एंगल्स इंस्क्राइब इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। तो आपको प्रूफ करना है कि जो एंगल्स इंस्क्राइब हो रहे हैं किसमें, सेम आर्क में, ये कॉन्ग्रुएंट है, मतलब आपको ये एंगल और ये एंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, क्योंकि दोनों एंगल देखिए किस आर्क में यहाँ पे इंस्क्राइब हो रहे हैं, आर्क पी एक्स आर में। तो इसके लिए आपको देखिए यहाँ पे दिया है गिवन, और फिर टू प्रूव, और फिर इसे आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गिवन में आपको दिया है एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी एस आर आर इंस्क्राइब इन द सेम आर्क, दैट इज पी एक्स आर इज इंटरसेप्टेड बाय द एंगल, टू प्रूव एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी एस आर, और ये देखिए इसका प्रूफ, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए ये आपको एक्टिविटी यहाँ पे कंप्लीट करना है। उसके बाद फ्रेंड देखिए सेकेंड क्वेश्चन, मतलब थर्ड क्वेश्चन रहेंगे इसके बाद, और यहाँ पे आपको दिया है हाउ मेनी सॉलिड सिलेंडर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड स्पीयर ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर। तो आपको पूछा है हाउ मेनी सॉलिड सिलेंडर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड स्पीयर ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर। तो आपके पास एक बड़ा स्पीयर है जिसकी रेडियस है 18 सेंटीमीटर, आपको इसे मेल्ट करके बताना है कि आप कितने सॉलिड सिलेंडर फाइंड कर सकेंगे या बना सकेंगे हैविंग रेडियस 6 एंड हाइट 12। तो देखिए इस तरह से एक्टिविटी यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपके पास है बी, क्वेश्चन बी, और यहाँ पे आपको दिया है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी टू, ठीक है, कोई भी दो आपको सॉल्व करना है, टोटल इसके ऊपर 4 मार्क्स, मतलब हर क्वेश्चन पे रहेंगे 2 मार्क्स। और देखिए यह है आपको फिगर, यहाँ पे आपको दिया है इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, देखिए एंगल बी आपको दिया है 90 का, बी डी इज परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनियस ए सी, इफ ए डी इज इक्वल टू 4 डी सी इज इक्वल टू 9 देन फाइंड बी डी। तो इस अल्टीट्यूड को, मतलब इस परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है, तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए ए बी सी विद उसके कोऑर्डिनेट्स भी दिए आपको, आपको फाइंड करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 25/7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन थीटा। तो यहाँ पे सेक थीटा दिया है 25/7, आपको फाइंड करना है टैन थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और यहाँ पे देखिए आपको किसी तीन को सॉल्व करना है, टोटल यहाँ पे 4 क्वेश्चंस है और टोटल मार्क्स है यहाँ पे 9, मतलब हर क्वेश्चन पे रहेंगे 3 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल पी क्यू आर सेगमेंट पी एम इज अ मीडियन, पी एम इज इक्वल टू 9, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 290, फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू आर। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे आपको यूज़ करना है अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है, यहाँ पे पी एम है मीडियन। उसके बाद देखिए आपको दिया है सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया है, तो मतलब डेफिनेटली सर्कल चैप्टर से रिलेटेड होगा। यहाँ पे आपको दिया है इन द गिवन फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंगल क्यू पी आर एंगल क्यू पी आर, ये जो एंगल है वो है आपको 70 डिग्री का, एंड मेजर ऑफ आर्क पी वाई आर, कहाँ पे पी वाई आर, पी वाई देन आर, तो इस आर्क का मेजर आपको दिया है 160, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए आपको ये तीन वैल्यूज यहाँ पे फाइंड करना है,
ठीक है। उसके बाद आपको दिया है थर्ड क्वेश्चन, तो देखते हैं कहाँ पे है थर्ड क्वेश्चन। ये देखिए ये है वो थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ सर्कल विथ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, ड्रॉ सर्कल विथ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो ये आपको पूछा गया था फ्रॉम कंस्ट्रक्शन चैप्टर। उसके बाद व्हेन एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम अ ट्री लुक्स एट द टॉप ऑफ द ट्री द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, वॉट इज द हाइट ऑफ द ट्री। तो ये आपको पूछा गया था ट्रिग्नोमेट्री से, और यहाँ पे देखिए आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक ऑब्जर्वर है एट अ डिस्टेंस 12 मीटर फ्रॉम अ ट्री लुक्स एट द टॉप ऑफ द ट्री द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60, वॉट इज द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 5, और यह है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, और आपको यहाँ पे सॉल्व करना है एनी वन। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको दो दिए रहेंगे और उसके ऊपर है 4 मार्क्स। ठीक है, आपको किसी एक को सॉल्व करना है, यहाँ पे दो दिए है, आपको एक सॉल्व करना है जिसके ऊपर रहेंगे 4 मार्क्स, और यह है उसका फर्स्ट क्वेश्चन। देखते क्या लिखा है क्वेश्चन में, अ सर्कल विद सेंटर पी इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल एबीसी। तो देखिए एक सर्कल है जिसका सेंटर पी है, जो ट्रायंगल एबीसी के अंदर क्या हुआ है, इंस्क्राइब। उसके बाद साइड ए बी, साइड बी सी एंड साइड ए सी टच द सर्कल एट पॉइंट्स एल एम एंड एन रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे देखिए तीनों साइड्स सर्कल को टच कर रहा है इन पॉइंट्स एल एम एंड एन रिस्पेक्टिवली। रेडियस ऑफ सर्कल इज आर, तो इस सर्कल की रेडियस आपको दी है स्मॉल आर। प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो ये जो एरिया है ट्राइंगल ए बी सी का, ये कितना है, हाफ है, किसके हाफ है, हाफ ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इंटू आर। तो देखिए कुछ इस तरह से आपको यहाँ पूछा गया था फॉर 4 मार्क्स। उसके बाद फ्रेंड देखिए यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है, जो आप इसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे है ये एक फिगर आपको दी है, और यहाँ पे आपको दिया है इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए सी बी इज 90, मतलब एंगल सी है 90 का। सेगमेंट सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, देन सेगमेंट सी ई इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। तो ये जो सी ई है वो एंगल ए सी बी का क्या है, बाइसेक्टर, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों रहेंगे इक्वल। आपको प्रूफ करना है ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, तो ये देखिए आपको पूछा गया था फॉर 4 मार्क्स। एंड फाइनली ये देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पे आपको पूछा गया था सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी वन। तो कोई भी आपको एक सॉल्व करना है, यहाँ पे आपको दिया है दो, और इसके ऊपर आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। तो फर्स्ट है शो दैट द पॉइंट्स 20, -20 एंड 02 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल, ऑल्सो स्टेट विथ रीजन द टाइप ऑफ द ट्राइंगल। तो फ्रेंड्स आपको शो करना है कि जो तीन पॉइंट्स है, ये तीनों पॉइंट्स क्या है, वर्टाइसेस है एक ट्राइंगल के, और आपको ये भी बताना है कि विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दैट, तो ये कौन सा ट्राइंगल है और उसका क्या रीजन है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद सेकेंड आपको दिया एक फिगर, यहाँ पे आपको दिया इन द अबव फिगर क्वाड्रिलैटरल एक्स एल एम टी इज अ रेक्टेंगल, एल एम वेर इज एल एम, एल एम इज 21 सेंटीमीटर, एक्स एल इज 10.5 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, देखिए ये रहेंगे आपका स्मॉलर सर्कल, इज हाफ द डायमीटर ऑफ द लार्जर सेमी सर्कल। तो यहाँ पे स्मॉलर जो सेमी सर्कल है इसका डायमीटर क्या रहेंगे, हाफ इस लार्जर सेमी सर्कल के डायमीटर के। फाइंड द एरिया ऑफ नॉन शेडेड रीजन, तो फ्रेंड्स नॉन शेडेड रीजन मतलब कौन सा होगा, देखिए ये है नॉन शेडेड रीजन ये वाला, देन ये यहाँ पे भी है थोड़ा, और देखिए यहाँ पे भी है, तो आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ नॉन शेडेड रीजन। तो फ्रेंड देखिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे गए थे मार्च 2019 में। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कुछ और एक डिफरेंट टॉपिक, तब तक आप इसे एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।